दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बेस करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। सबसे पहले जो मेन चीज होता है, जो मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है, तो कॉल आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है। एंड सेकेंडली, अगर हम लोग एंट्री ले भी लेते हैं, हम लोग को निकलना कब है, क्योंकि हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं, सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके जल्दी निकल जाते हैं, उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देखेगी। और कभी कभार ये चीज उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है, तो दोनों तरफ ही फंसते हैं। रीजन एक ही है जो हम लोग को एग्जिट करना नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेशेंस, जो 90% बंदा रख नहीं पाता। देखिए, अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बारी में अक्सर हम लोग लॉस खाते हैं। तो उसी का एग्जांपल आज को मैं 28 तारीख का चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, आज को मार्केट यहां पर ओपन हो रहा है, ये जो ब्लू कैंडल आपको दिख रहा है ना, ब्लू कैंडल का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, और जैसे ब्लू कैंडल खत्म होता है नेक्स्ट कैंडल पे आपको सिग्नल मिल जाएगा। जैसे ये ग्रीन कलर का एरो बना, आपका सिग्नल बना, सिग्नल बनने से नोटिफिकेशन मिल गया। अब क्वेश्चन ये है, जो सिग्नल सही है या गलत है, इसमें ट्रेड करें या ना करें। अब बहुत बंदा हरवरी में यहां पर घुस जाता है मार्केट। अब जैसे एंट्री लेने का टाइम, सबसे पहले आपको तीन चीज देखना है। एक है बाइंग का पहले कोई ग्रीन स्टार बना है कि नहीं, ग्रीन स्टार बन चुका है। ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये व्हाइट का ऊपर गया है कि नहीं, ये व्हाइट का ऊपर चला गया। और थर्ड जो कंडीशन है वो है नीचे का जो पट्टी है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए। तो ये कैंडल का क्लोजिंग तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि फाइनली आप ट्रेड तभी कर सकते जब ये ब्लू कैंडल का हाई को तोड़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। और ये 5 मिनट का कैंडल है, अगर मैं 5 मिनट का कैंडल को वेट किया, जैसे ये कैंडल खत्म हुआ, देखिए नीचे का जो पट्टी थोड़ा सा ग्रीन हुआ था वो रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट में बाइंग ट्रेंड आया नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग हरबरी में ट्रेड कर लेते तो यहां पर मेरा पोजिशन फंस जाता है। तो ये सुबह को बाय का कॉल तो बना, बट स्टार बना, नीचे का ब्रिक्स आपका पेपर में गया, बट नीचे का जो पट्टी है वो ग्रीन नहीं हुआ, थोड़ा सा ग्रीन होकर हट गया। हट कब जाएगा, कैंडल का क्लोजिंग तक आपको वेट करना है। तो ये कॉल आपके लिए ट्रेडेबल कॉल नहीं हुआ। मार्केट देखिए फाइनली नीचे गिर गया, और यहां पर ये देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो ब्लू कैंडल है बहुत लंबा फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर सेल का कॉल बन गया। अब इस दौरान देखिए, मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, ये ब्लू कैंडल का मतलब क्या है, ब्लू कैंडल का मतलब ये होता है ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। देखिए, इस कैंडल पे आपको पता चल गया जो आपको बाइंग नहीं करना है, नेक्स्ट कैंडल पे स्टार भी बन गया रेड का, नीचे का रिबन भी रेड है, ब्रिक्स नीचे आ गया, ब्लू कैंडल बन गया। ब्लू कैंडल जैसे खत्म होगा नेक्स्ट कैंडल पे सेल का कॉल बन गया। अब यहां पर भी आपको सबसे पहले वो कंडीशन देखना है, कंडीशन क्या है। देखिए, रेड स्टार बन चुका है, नीचे का रिबन रेड है, ब्रिक्स आपका पेपर में। अब इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो ब्लू कैंडल का लो का नीचे होना चाहिए। अभी मुझे यहां पर वेट करना है जो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है। देखिए, ये एक ब्लैक कैंडल है, ध्यान से समझिएगा, ब्लैक मतलब है बुलिश कैंडल, मतलब ये ऊपर का तरफ क्लोजिंग हुआ है। इसका क्लोजिंग ब्लू कैंडल का लो का नीचे होना चाहिए था, तब जाके कॉल कंफर्म होता, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये भी सोचना है ना, ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन और ये जो ग्रे डॉटेड लाइन, ये क्या है, ये सपोर्ट एंड ब्रेकडाउन लेवल है। तो मैं मेरा हर एक वीडियो में बताते रहता हूँ, जो लेवल को समझिए। मार्केट देखिए गिर के एक ही कैंडल पे इतना नीचे गिर गया, मतलब जितना गिरना था मार्केट का वो ऑलरेडी गिर चुका है। अगर यहां पर इस कैंडल का क्लोजिंग ब्लू कैंडल का लो का नीचे आता भी, तो भी यहां पर मन में एक क्वेश्चन रहता है, जो मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ब्रेकडाउन लेवल को भी टच कर दिया, सपोर्ट लेवल को भी टच कर दिया। तो यहां पर भी जो बंदा जल्दबाजी में सेल किया है उसका भी पोजिशन फंस गया होगा। तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, मार्केट फ्लैक्चुएट कर ही सकता है आपको फंसाने के लिए। ट्रेडिंग करने का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए। 9:15 से लेकर 10 बज गया, अभी तक कोई सही पोजिशन बना नहीं है। फाइनली फिर से सेल का बाय का कॉल बना, इसमें भी वही चीज, नीचे करीबन क्या है, अभी भी रेड है, बाय का कॉल का पहले कोई ग्रीन स्टार बना नहीं है, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर चले आपका फेवर में, नीचे का रिबन के लिए वेट कीजिए और स्टार के लिए वेट कीजिए। अगर मैं देखूंगा तो यहां पर देखिए मार्केट टोटली साइडवेज ही चल रहा है, 10:30 बज गया, अभी भी कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। नीचे का रिबन देखिए ग्रीन हो गया है, अभी यहां पर आपको स्टार मिला,
कौन सा कैंडल पे स्टार मिला? ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल है ये 1040 सॉरी 1035 का कैंडल है। अब इस कैंडल पे बाय का जो कॉल है उसका नीचे का रिबन ग्रीन हो चुका है, ब्रेक्स आपका फेवर में, स्टार बना है। अब मुझे ट्रेड करना है ये स्टार कैंडल का, हाई का ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है तब। तो इसका बारे में भी बहुत टाइम बताया हूं, जो स्टार कैंडल का जो हाई है उसका ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होगा, जैसा ये जो 11:05 का कैंडल है, एक्चुअली निफ्टी में आज को ट्रेड करने का फर्स्ट टाइम आपको मौका मिला है सुबह 11:05 पे। अब यहां पर ही क्यों? क्योंकि देखिए, इस बाय का कॉल बना था यहां पर, कंफर्मेशन मुझे मिला यहां पर। अब मैं जैसे बताता हूं, जो ग्रीन स्टार अगर बाद में आता है तो उस कैंडल का हाई का ऊपर किसी कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए यहां पर, और ब्लू कैंडल का कोई रोल नहीं है। स्टार कैंडल ही मेन कैंडल होगा, स्टार कैंडल का हाई तो रहा है 11:05 का कैंडल। अब 11:05 का कैंडल पे आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, और आपका ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये रेजिस्टेंस है, और ऊपर का जो ब्रेकआउट लेवल है वहां तक मार्केट जा सकता है उसका एक अंदाजा। तो देखते देखते देखिए, विद इन 2 to 3 कैंडल आप यहां पर प्रॉफिट बना लिए। अल्टीमेट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मार्केट कितना मोमेंटम देके जाता है। देखिए, ब्लू ब्रिक्स रेड ब्रिक्स एक नेगेटिव पॉइंट है, बट मार्केट ऊपर जा रहा है। अल्टीमेट कंसेप्ट क्या है? मैं अगर 11:05 का कैंडल पे एंट्री लिया हूं, इस टाइम मार्केट का वैल्यू था 25,030, 30 से लेके आप यहां पर 102, मतलब आप पकड़ सकते 70 पॉइंट मूवमेंट कर चुका है। तो ये जो 70 पॉइंट का मूवमेंट है ये आपके लिए जेन्युइन मूवमेंट है, और आप इस मूवमेंट को तब तक लेंगे जब तक नीचे का जो ब्रिक्स है ये व्हाइट को तोड़ के नीचे ना आ जाए। तो देखिए, काफी सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा जो ये सॉफ्टवेयर में एक्चुअल एक ही बार ट्रेड मिला है मुझे 11:05 पे, और इस टाइम मार्केट का वैल्यू था 30। यहां से लेकर आप इतना दूर तक वेट कर सकते हैं, मतलब 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहां पर बना सकते हैं। तो इसके लिए ही बोला जाता है ट्रेडिंग का मतलब ही अपॉर्चुनिटी। मार्केट खुला है तुरंत कहीं पर भी घुसना है ऐसा नहीं, सही वक्त के लिए वेट कीजिए। मार्केट एक ना एक बार आपको मौका जरूर देगा पैसा बनाने के लिए, उस वक्त के लिए वेट कीजिए। तो लॉजिक को समझिए, अगर आप लॉजिक को समझ गए आप कोई भी मार्केट हो वहां पर पैसा बना सकते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस को रोक सकते हैं। अगर आप लॉस रोकना सीख गए प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। तो कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएक्स के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।